बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां पर उत्तरी चीन में एक रेस्टोरेंट में बड़ा हादसा हो गया। रेस्टोरेंट में ब्लास्ट होने से 31 लोगों की मौत हो गई। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ है, चीन से ये बड़ी खबर। ब्लास्ट में 31 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। उत्तरी चीन में एक रेस्टोरेंट में बड़ा हादसा हुआ, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ है जिससे 31 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो दर्दनाक हादसा उत्तरी चीन के एक रेस्टोरेंट में, उस रेस्टोरेंट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यिनचुआन ये वो जगह जहां पर इस रेस्टोरेंट में ब्लास्ट हुआ। जानकारी मिल पा रही है कि 31 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो उत्तरी चीन के यिनचुआन ये वो क्षेत्र जहां पर एक बड़ा धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ। अब जानकारी मिल पा रही है कि इस दर्दनाक हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई। तो यिनचुआन चीन का वो क्षेत्र, उत्तरी चीन का वो क्षेत्र, ये वो तस्वीरें उस रेस्टोरेंट की जहां पर एक बड़ा धमाका हुआ और इस दर्दनाक हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर रेस्क्यू के लिए पहुंचा हुआ है। चंडीगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार पहाड़ी से टकरा कर पलट गई। ये घटना उस वक्त हुई जब उसमें सवार लोग जम्मू कश्मीर से चंडीगढ़ जा रहे थे, तभी वो बेकाबू कार पहाड़ी से टकराकर कई बार पलट गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें एक कार आती दिखी जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो मुड़ने के बजाय पहाड़ी से टकरा गई। पहाड़ी से टकराने से कई बार पलटने के बाद वो कार सड़क के बीचों बीच आ गई, जिसके बाद पलटी हुई उस कार से दो लोग तुरंत निकल आए। उन दोनों ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से कार में बैठे दूसरे लोगों को भी बाहर निकाला। हालांकि गनीमत ये रही कि कार के पलटने के बाद किसी को चोट नहीं आई। मुंबई के कोविड सेंटर घोटाला मामले में ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की। जिन लोगों के घरों पर छापे पड़े उनमें कुछ लोग उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी बताए गए। ईडी की छापेमारी पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान शुरू हो गया। मुंबई में उद्धव गुट के कुछ कार्यकर्ताओं ने छापेमारी के दौरान पुलिस अफसरों के सामने हंगामा किया और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने केंद्र सरकार पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा दिया। संजय राउत के आरोपों पर कोविड सेंटर स्कैम मामले में एफआईआर दर्ज कराने वाले बीजेपी नेता किरीट सुमैया ने पलटवार किया। हिसाब तो देना ही होगा। घोटाले की जांच में लगी ईडी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि मुंबई में कोविड सेंटर बनाने के लिए दिए गए टेंडर में नियमों की अनदेखी तो नहीं की गई, क्योंकि आरोप है कि 3 साल पहले मुंबई में कोविड सेंटर बनाने के दौरान घोटाला हुआ था। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे सरकार ने तब नियमों की अनदेखी करके फर्जी दस्तावेज के जरिए एक ऐसी कंपनी को कोविड सेंटर बनाने का टेंडर दे दिया जिसे मेडिकल के क्षेत्र में काम करने का अनुभव ही नहीं था। अब इस मामले की जांच कर रही ईडी ने उद्धव ठाकरे के करीबियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ईडी ने उद्धव गुट के नेताओं के साथ ही एक आईएएस अधिकारी के घर पर भी छापा मारा, क्योंकि पिछले साल कोविड सेंटर स्कैम मामले में लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज के 4 हिस्सेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी के आधार पर ईडी ने उद्धव ठाकरे के करीबी सुजीत पाटकर और आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चव्हाण के घर छापेमारी की। आरोप है कि 2020 में उद्धव ठाकरे सरकार ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज को कोविड सेंटर बनाने का ठेका दिया था, जबकि कंपनी के पास किसी भी तरह का मेडिकल सर्विस देने का अनुभव नहीं था। जिसकी जांच कर रही ईडी ने उद्धव गुट के सुजीत पाटकर और सूरज चव्हाण के साथ आईएएस अधिकारी संजीव जायसवाल के घर पर भी छापा मारा। उधर नेटो ने